मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, अपने दयावल हाथ को बढ़ाओ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता, आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं मेरे पिता, इनके जीवन बदले मेरे पिता परमेश्वर, इनके हालात बदले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इस वचन को समझ सकें, शैतान इन वचनों को चुराने न पाए मेरे पिता। और इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, इन सबके जीवनों में एक मिठी एक सुंदर सुबह देने के लिए मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। सारी चिंताएं जाएं, सारी प्रॉब्लम्स जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का दिन का ब्लेस रहे। मैं प्रोफेट सुमनदीप, आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। तो आइए वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 34:19 में लिखा हुआ है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं। यहाँ पे नहीं लिखा कि धर्मी पर विपत्तियाँ नहीं पड़ती हैं, यहाँ पे लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, ब्रैकेट में लगा है तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। धर्मी पर मतलब कि जो मसीह के जो प्यासे हैं, जो मसीह जीवन के प्यासे हैं, जो वचन के प्यासे हैं, जो प्रार्थना के प्यासे हैं, जो दर्शनों के प्यासे हैं, जो परमेश्वर से बात करने के प्यासे हैं, जो आत्मिक जीवन के प्यासे हैं, जो पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, जिनकी लगन प्रभु यीशु मसीह के साथ है, धर्मी मतलब कि जो परमेश्वर का, जिसने परमेश्वर को अपना लिया है, जिसने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, जिसने परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया है, जिसने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। हालेलुया। वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। जब आप पे संकट आता है, जब आप पे मुश्किलें आती हैं, आप चिंता ना करें, आप क्यों घबराते हो? वचन कहता है यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम से प्रभु यीशु मसीह आपको मुक्त करते हैं, हर एक चिंता से प्रभु यीशु मसीह आपको मुक्त करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। और मैं देख रहा हूँ किसी का नाम ऐसे रणवीर नाम से है, वो भी ऐसे चिंताओं में है, जो कि सन्नी नाम है, वो भी ऐसे चिंताओं में फंसा हुआ है। वो कहता कि मेरे पे समस्या क्यों आती है, मेरा काम क्यों नहीं चलता, मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता। तो परमेश्वर के प्रिय वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। लिखा हुआ यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी की हुई उनको बचाता है। हालेलुया। स्वर्गदूत चारों तरफ आपकी रक्षा करते हैं, आपको दुर्घटना से बचाते हैं, आपको समस्या से बचाते हैं, आप किसी बुरी संगति में ना पड़े, परमेश्वर आपके जीवन को बदलते हैं और परमेश्वर आपसे बात करते हैं। वचन कहता है कि स्वर्गदूत तो हमेशा ही आपकी रक्षा में लगे रहते हैं, आपकी रक्षा करने में लगे रहते हैं, कहीं आप संकट में ना फंस जाएँ, कहीं आप मुश्किल में फंस ना जाएँ, कहीं आपको गलत फैसला ना उठा ले, कहीं आप ऐसे वह विचार में नहीं चले गए हों, कहीं आप प्रॉब्लम सुना चले गए हों और कहीं आपका मन भटक ना जाए। और वचन कहता है यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हालेलुया। और वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है जब आप दुखों में होंगे, जब परेशानी में होंगे, परमेश्वर कहेगा ये मेरी बेटी इतना दुख सह रही है, ये मेरा बेटा इतना दुख सह रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। क्योंकि देखिए संसारिक ओर से लिखा हुआ है कि जवान सिंहों को तो घटी होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, जो जवान सिंह भूखे भी रह जाते हैं उनका घटी हो जाती है, लेकिन वचन कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। जो यहोवा के खोजी हैं उनको किसी भी बात की घटी ना होगी। आप समझ लें कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, वो यहोवा परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, वो महान परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि यहोवा के खोजियों को किसी भी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। लिखा हुआ है कि परंतु यहोवा उसको सब वस्तुओं से, सब प्रॉब्लम से मुक्त करेगा। हालेलुया। लिखा कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती, मतलब कि हड्डी हड्डी की रक्षा वो प्रभु यीशु मसीह करते हैं। हमने हमारे चाचा का भाई था, वो ऊपर की बिल्डिंग से गिर गया था वो, लेकिन परमेश्वर ने अपने दयावाला हाथ से उसको बचाया। उसको थोड़ी बहुत खुरोची आई है, लेकिन परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया है। किस तरह परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा मेरे साथ है मुकदमा लड़ते हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपका हर एक मुकदमा लड़ता है, आपका मुकदमा। अगर आप शैतान का घुटने टेकने वाले हैं, अगर आप परेशानी का घुटने टेकने वाले हैं, तो यहोवा परमेश्वर का जो नाम सब नाम ऊंचा है, वो वचन कहता है जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर एक बुरी आदतों से, बुरी प्रॉब्लम से,
आपको आज़ाद करते हैं। लिखा हुआ है कि आप ना घबराएं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप चिंता ना करें, क्योंकि आप धर्मी हैं। जब आपके ऊपर विपत्तियां, जब आपके ऊपर समस्या आती है, तो आप चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पियेंगे, इस रोग से कैसे छुटकारा पाएंगे। वचन कहता है यहोवा हमेशा उनको बचाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है, आप परमेश्वर की तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है वो हमें बचाता है हर एक संकट से, हर एक समस्या से, हर एक प्रॉब्लम से। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें, आपको ब्लेस करें। इस वचन को हमेशा याद रखना कि धर्मी पर जितनी मर्जी विपत्तियाँ आ जाएँ, लेकिन यहोवा परमेश्वर हमेशा आपको बचा के रखते हैं। वो हमेशा आपको बचा के रखते हैं। ताकि जिस तरह हम अपने बच्चों को जब सड़क पर चलते हैं तो उसको देखते हैं कि वो इस साइड चले ताकि कोई साधन उसको टक्कर ना मार जाए। धूप में होता है जब वो अपने सिर पर उसके रुमाल रख देते हैं बच्चों को धूप ना लगे। जब बुखार हो जाता है हम उसके केयर करते हैं। लेकिन वो यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है जब आप समस्या में होगे, जब आप संकट में होगे, तो महान परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। ये बात उनके लिए है जो परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने मनों में डाल के रखते हैं। हालेलुया। जब आप पुकारेंगे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। यीशु मसीह से लिखी रिवन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच्चे मेरे पिता, आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इस अद्भुत वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आएंगी, पर यहोवा परमेश्वर उसको हर एक समस्या से मुक्त करेगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये हर एक समस्या से मुक्त हो जाए मेरे पिता, ये अपनी हर एक परेशानी से मुक्त हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप मत देरी करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, अब इनका मत परीक्षा लो मेरे पिता, ये आज़ाद होने पाए मेरे पिता। ये अगर आप क्या गिड़गड़ाते हैं, आपका दुहाई देते हैं मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सेनाओं की यहोवा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से मैं बंधन तोड़ता हूँ मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बंधन इनके हर एक समस्या से ये आज़ाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यहोवा परमेश्वर इनकी रक्षा करें, इन्हें संभाल के रखें। परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुने। परमेश्वर हमेशा प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। और इस बुधवार की प्रार्थना है वो मिरेकल मनी की प्रार्थना है, और कर्ज से छुटकारे की प्रार्थना है। और आज बहन ने अपनी गवाही को भेजा है कि उसको 19,000 रुपये की मिरेकल मनी हुई है। अभी देखिए, मैंने शनिवार को, बुधवार को मैं बोल रहा था कि परमेश्वर इनको, इन नाम वालों को अद्भुत, इनके जीवन अद्भुत कार्य होने वाले हैं। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। और मैं से कल बोल भी रहा था शनिवार को लाइव, और मैं कह रहा था कि इसको सांप दिखाई देते हैं। आज उस बहन ने अपनी गवाही को भेजा है। ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आने के लिए तैयार हैं। इस बुधवार मेरा चैनल प्रॉफिट सुमंत मिनिस्ट्री यूट्यूब पर आप जरूर लाइव जुड़ें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेंगे। आमीन।